Hello everyone, welcome to our YouTube channel. This is Vikas Kumar on my YouTube platform AgriWords Education. Friends, on today onwards, we are going to start a, a special video lecture series that is PIB Vani. In this, we will discuss the latest updates and releases of PIB that will be helpful for your upcoming exams like NABAT grade A, UPSC, RBI grade A exam, and other state PCS exam. So let's begin the video. For today's video, जुलाई मंथ का अभी तक जितना भी रिलीज हुआ है उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो रिलीजेस है पी के उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया है इंक्लूड किया है तो चलिए उसको हम डिस्कस करते हैं पहला रिलीज है श्री चिराग पासवान एंड श्री रवनीत सिंह लॉन्च वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप फॉर वर्ल्ड फूड इंडिया ट्वेंटी एंड इट वॉज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एस यू नो द चिराग पासवान इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री एंड द स्टेट मिनिस्टर फॉर फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज श्री रवनीत सिंह दे हैव लॉन्च The website and mobile application for World Food India 2024. And it is the third edition of World Food India. And it will begin from 19th of September to 22nd of September 2024. It is uh, NASA's largest food event to foster collaboration and partnership among global and Indian food sector stakeholders. Moving to next release, India's seafood export touches all-time high by volume in fiscal year 2023 to 24. फाइनेंशियल ईयर ट्वेंटी ट्वेंटी में जो इंडिया का सी फूड एक्सपोर्ट है ये ऑल टाइम हाई को टच कर चुका है एंड इट वॉज रिलेज बाई मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री तो यहाँ पे बात क्या करी गई है इंडिया का जो सी फूड एक्सपोर्ट है वो 2023-24 में आपका सेवनटीन लैक एटी थाउजेंड मिलियन टन्स इतना एक्सपोर्ट किया गया था और इसकी वैल्यू थी 60,523 करोड़ यूएस डॉलर में बात करी जाए तो 7.38 पॉइंट थ्री आप देख सकते हैं कितना हाई अमाउंट है और इसमें जो टॉप प्रोडक्ट है या बोलने की हम टॉप कॉमोडिटी है वो है फ्रोजन स्रिम फ्रोजन स्ट्रीम रिमेन द मेजर एक्सपोर्ट आइटम इन द क्वांटिटी एंड वैल्यू वाइल द यू एस एंड चाइना बिकम द मेजर इम्पोर्टर ऑफ इंडिया सी फूड सबसे ज़्यादा इंडिया का जो एक्सपोर्ट किया जाता है वो यू एस एंड चाइना में किया जाता है ठीक है इसके बाद अगर हम ऑर्डर देखें कि सबसे ज़्यादा किसका एक्सपोर्ट किया जाता है सबसे ज़्यादा है फ्रोजन स्ट्रीम फोर्टी पॉइंट वन नाइन परसेंट इन सी फूड सी फूड के अंदर की बात हो रही है फॉलोड बाई फ्रोजन फिश ट्वेंटी वन परसेंट फिश एंड सिम मील एंड फिट एंड जो नॉन एडिबल ड्राइड आइटम्स है जो मील्स है जो मछलियों का खाना है सिम्स का खाना है तो उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है फिफ्टीन पॉइंट एट नाइन परसेंट तो इसको रेगुलेट कौन करता है जो हमारा सी फूड है इसका जो आ, एक्सपोर्ट किया जा रहा है तो इसका किया जाता है मेराइन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एम और इसके चेयरमैन हैं अभी आपके श्री डी वी स्वामी आई एस ठीक है मूविंग टू नेक्स्ट रिलीज यूनियन मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी लॉन्चेस निर्माण पोर्टल एंड इट वॉज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ कोल्ड तो जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइन्स है श्री जी किशन रेड्डी ये इन्होंने लॉन्च किया है निर्माण पोर्टल निर्माण मतलब क्या है नोबल इनिशिएटिव फॉर रिवॉर्डिंग मेन एक्सपेरियंट ऑफ नेशनल सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो ये पढ़ के तो आपको समझ में आएगा हो कि ये किससे रिलेटेड है जो सिविल सर्विस एक्सपेरियंट्स हैं उनको एक यहाँ पे एक इंसेंटिव या बोलने की उनको एक फंड दिया जाएगा एंड इट इज़ इन द अलाइनमेंट विद द विज़न ऑफ मिशन कर्मयोगी ऑफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो इसके अंदर क्या किया जाएगा कुछ आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्स हैं तो उसके जो कैंडिडेट्स हैं एस्पिरेंट हैं अगर वो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करते हैं तो उनको वन लाख रुपीज़ का सपोर्ट दिया जाएगा पर यहाँ पे क्राइटेरिया क्या है कि उनका फैमिली इनकम लेस देन एट लाख होना चाहिए एंड बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब एंड फीमेल और थर्ड जेंडर ठीक है पर यहाँ पर कंडीशन एक और है कि थर्टी नाइन ऑपरेशनल डिस्ट्रिक्ट जो आइडेंटिफाइड डिस्ट्रिक्ट है इनके ही कैंडिडेट्स को ये दिया जाएगा अगला है श्री अश्विनी वैष्णव टू इनावरेट द ग्लोबल इंडिया ए आई सम्मिट ट्वेंटी ग्लोबल इंडिया ए आई सम्मिट इज सीडू टू भी हेल्ड बिटवीन जुलाई थर्ड फोर्थ ट्वेंटी ट्वेंटी फोर एज द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इज सेट टू होस्ट एंड एस्टीम्ड गैदरिंग ऑफ इंटरनेशनल डेलीगेट्स ए आई एक्सपर्ट्स पॉलिसी मेकर एट द समिट समिट में जो वर्ल्ड वाइड और जो इंडिया के मेजर आपके जो डेलीगेट्स हैं एक्सपर्ट्स हैं और जो ए आई के फील्ड में काम कर रहे हैं डिजिटल टेक्नोलॉजी बना रहे हैं तो उन सब का यहाँ पर उनको इन्वाइट किया जाएगा मूवमेंट फॉर इंडिया एज इट अंडर स्कोर इट कमिटमेंट टू फोस्टरिंग रिस्पांसिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट इन ग्लोबल स्केल तो ये हो गया आपका अगला है ये इंपॉर्टेंट है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू हंड्रेड सिक्स लैक मेट्रिक टन वीट प्रोक्योर ड्यूरिंग रवि मार्केटिंग सीजन तो इतने का प्रोक्योरमेंट हो चुका है इट वॉज लीज बांज्यूमर अफेयर फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ठीक है एक चीज तो ये दूसरी चीज क्या होगी कि सेंट्रल ने जो एम दिया जाता है तो टू पॉइंट थ्री लैख्स करोड़ ये डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जो फार्मर्स के बैंक अकाउंट है उनमें ट्रांसफ़र किया है वन पॉइंट टू नाइन करोड़ फार्मर को इसका बेनिफिट मिला है ये इसके अलावा जो पूरा का पूरा प्रोक्योरमेंट किया गया इसमें से वन एट्टी फोर मिलियन टन वन एट्टी फोर लैख मिलियन टन वीट का जो वेलफेयर स्कीम चलाई जाती है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना तो इसमें भी दिया गया और मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात करी जाए तो रवि मार्केटिंग सीजन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव में वीट का एमएसपी था 2275 पर क्विंटल्स इन एडिशन टू वीड इफ यू टॉक अबाउट राइस क्रॉप पैडी का प्रोक्योरमेंट कितना किया गया था 775 लाख मिलियन टन्स ठीक है नेक्स्ट रिलीज इज फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एम का जो मिनिस्ट्री है इन्होंने एक एम ओ साइन किया है या बात कर लेगी दोनों ने मिल मतलब इनका मेन टारगेट रखा है कि जो एस एच जी वीमेन एंटरप्राइज है इनको एक बढ़ावा देना एक एम साइन किया है तो इसके अंदर क्या बात करी गई है ये? कि इन द साइनिंग ऑफ द एस ओ बिटवीन मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट अंडर होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच सी हाईलाइटेड दैट द विल फैसिलिटेट द एम्पावरमेंट ऑफ लखपति दीदीज एट एंडन बाय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तो पेपर में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन कौन सी मिनिस्ट्री ने एस ओ आई साइन किया है तो आप बोल सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एम एस एम ई एंड मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट फॉर द अप्रूपमेंट ऑफ एस एस जी वीमेन अगला है From Ministry of Science and Technology, the CSIR, Council of Science, Scientific and Industry Research, and MS Swaminathan Research Foundation Science Memorandum of Understanding. And in this MOU, it is creating a framework and meaningful association for the transfer of affordable, proven and selected technology with societal relevance available across the CSIR laboratories, institutes for the mentoring of shg NGOs, FPOs and other voluntary organizations selected by एम एस एस आर एफ यानी कि जो एम एस स्वामीनाथन की जो, uh, की जो uh, ये कमेटी है इनके द्वारा जो जो कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको सिलेक्ट किया गया है और इन लोगों को जो टेक्नोलॉजीज़ हैं सी एस आई आर ने जो डेवलप करी है इंस्टीट्यूट ने जो डेवलप करी है इनका ट्रांसफ़र करना अगला है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट से डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ़ पर्सन विथ डिसेबिल्टीज़ सेंड टू सिग्निफिकेंट एम ओ योज़ टू वर्ड्स एम्पावरिंग पर्सन विद डिसेबिल्टीज़ जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं इनके एम्पावरमेंट के लिए डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी इन लोगों ने दो एम साइन किया है एक किया है आपका अनेबल मी एक्सेस एसोसिएशन ई एम ए अनेबल मी एक इसके साथ किया है दूसरा एम साइन किया है इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर एंड यूनिके तो ये दो एम साइन किया है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एम बिटवीन आई एस एल आर टी सी एंड यूनिकी इज टू प्रोवाइड फ्री एंड एक्सेसिबल इसकी टू द डीफ कम्युनिटी एंड देयर यूथ विद दिस स्किल नॉलेज डीफ यूथ विल बी एबल टू एडवांस दियर कैरियर एंड सिक्योर हाई क्वालिटी जॉब्स एंड रिसीव प्रमोशन इन दियर करेंट जॉब दिस स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम विल एन एबल डीफ यूथ टू परसू देर पर्सन अर्निंग ए लिविंग थ्रू फ्री लांसिंग एंड बिकम सेल्फ रिलयट इन टर्म्स ऑफ लाइवली हुड तो यहाँ पर जो डीफ कम्युनिटी है जो पर्सन विद डिसबिलिटी वाली कम्युनिटी है उनको यहाँ पे उनका एक स्किल डेवलपमेंट करना ताकि वो अपना कैरियर बना सके और जो वो करेंट जॉब है उसमें प्रमोशन ले सके और फ्रीलानिंग के थ्रू वो कुछ अर्न कर सके तो ऐसा कुछ यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी अगला देखिए ये एग्रीकल्चर से है फिशरीज समिट मीट ट्वेंटी एट आई डी ट्रेड सेंटर इन मदुरई तमिलनाडु एक तो यही यहाँ पे कवर हो गया कि फिशरीज समिट मीट कहाँ पे हुआ ऑन ट्वेल्थ जुलाई 2024 ट्वेंटी फोर अंडर चेयरमैनशिप ऑफ यूनियन मिनिस्टर ऑफ़ फ़िशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी श्री राजीव रंजन सिंह तो यहाँ पे क्या क्या कवर हो गया पहला चीज़ कि ये सबमिट कब किया जाएगा ट्वेल्थ ऑफ जुलाई 2024 को और यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी है श्री राजीव रंजन तो ये क्यों किया जा रहा है कि दस जुलाई को आपका नेशनल फिश फार्मर डे को सेलिब्रेट किया गया था एंड इट इज सेलिब्रेटेड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर डॉक्टर हीरा चौधरी एंड हिज कलीग डॉक्टर के एच अली कुनी इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है एक्वाकल्चर के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप किया था जो रिप्रोडक्शन है आपका इंडियन मेजर कार्प बाय हाइपोफाइसिसन टेक्नोलॉजी तो ये टेक्नोलॉजी से इन्होंने ब्रीडिंग टेक्निक को डेवलप किया था इन 1957 और इनका बहुत सारा कॉन्ट्रीब्यूशन है तो इसी की याद में नेशनल फिश फार्मर डे सेलिब्रेट किया जाता है टेंथ ऑफ जुलाई एवरी ईयर इंडिया का अगर हम स्टैंड देखिए इंडिया कहां पे स्टैंड करता है आंध्र प्रदेश की बात करी जाए आंध्र प्रदेश इमेन द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फिशिंग एंड एक्वाकल्चर ड्यूरिंग द पीरियड फिफ्टीन 16 टू तो 2022 टू तो 2023 एंड इट्स शेयर इन ऑल इंडिया आउटपुट इंक्रीज ऑफ सेवेंटी परसेंट दो हज़ार में सेवेंटीन परसेंट था अभी ऑलमोस्ट फोर्टी हो गया पूरा एक्वाकल्चर का जितना भी प्रोड्यूशन है सारे स्टेट का अकेले आंध्र प्रदेश का फोर्टी है इंडिया का वर्ल्ड में बात करें तो फिश प्रोडक्शन आपका वन सेवेंटी टन लैक है फाइनेंशियल ईयर बाईस तेईस में और इंडिया थर्ड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसर है लार्जेस्ट सेम प्रोड्यूसर है देखो सिम्प में नंबर वन है इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट सी फूड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड ऊपर हमने बात भी करी थी सी फूड वाला तो सी फूड में फोर्थ लार्जेस्ट है और सी फूड में जो पहला जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम है वो है फ्रोजन स्ट्रीम फ्रोजन स्ट्रीम फॉलोड बाई फ्रोजन फिश अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का फोर्टी सिक्स सेसन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग ये करी गई थी और इसके अंदर एक प्रोजेक्ट परी को भी यहाँ पे एक अनाउंस किया गया था तो ये इंपोर्टेंट है तो हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन द ओकेज़न ऑफ फोर्टी सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग तो यहाँ पर बात करी गई है जो एक प्रोजेक्ट परी है पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया इसको किया जाएगा इसके अंदर क्या क्या होंगे कि एक सौ से भी ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं उनको बुलाया जाएगा जैसे कि कुछ पेंटिंग से रिलेटेड हो गए कुछ जैसे कुछ आर्ट क्रिएशन करते हैं तो उन लोगों का एक यहाँ पे एक एग्जीबिशन किया जाएगा प्रोजेक्ट परी के अंदर अगला है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखिए दोबारा आ गया एस का मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड साइंस एम अगर एग्जाम में आता है कि ग्रीन मोबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए एस में जो ग्रीन मोबिलिटी को फैसिलिटेट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने किसके साथ एम साइन किया है तो राइट आंसर होगा कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड सी ई ये इसके अंदर क्या किया जाएगा सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट फॉर रूरल एंटरप्रेन्योर थ्रू इलेक्ट्रिक बाइसिकल स्त्री याद रखिए स्त्री इस तरीके इसका कॉम्पोनेट है एम जो हो रखा है आपका सीई और एमओ के बीच में इसके अंदर क्या किया जाएगा जो एस एच जी है नोटिफाइड अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना डी एन के अंदर तो स्पेसिफिकली जो रूरल वुमेन है उनकी ग्रीन मोबिलिटी के लिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल को प्रोवाइड किया जाएगा इलेक्ट्रिक बाइसिकल एंड द प्रोजेक्ट एम टू बिल्ड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी इंडिपेंडेंस एंड प्रोस्पेरिटी अमंग्स द एस एच जी वुमन एलिवेटिंग देयर सोशल इकोनॉमिक स्टैंडिंग ऑल्सो टू कीप द रूरल मोबिलिटी कंजेशन फ्री देयर बाई कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स डी कारबोनाइजेशन ऑफ लास्ट माइन मोबिलिटी स्पेस तो अल्टीमेटली यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो ग्रीन ट्रांसपोर्ट है या ग्रीन मोबिलिटी है इसको फेवर करना इलेक्ट्रिक वाइसिकल को प्रोवाइड करना फॉर दियर मूवमेंट अगला है इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस ऑन वर्ल्ड जूनोस डे और वर्ल्ड जूनोसिस डे आपका सेलिब्रेट किया जाता है सिक्सथ ऑफ जुलाई सिक्स ऑफ जुलाई एवरी ईयर एंड दिस रिलीज़ वॉज रिलीज बाई मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हजबेंड्री एंड डेयरिंग इसके अंदर बात करी गई जूनोसिस के बारे में बताया गया है कि कुछ कुछ डिजीजेस हैं जो कि एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होते हैं तो उनको बोला जाता है जूनोसिस या जूनोटिक डिजीजेस लाइक आपका रेबीज़ है एंथ्रेक्स है इन्फ्लुएंजा एच वन एन वन एच फाइव एन वन निपा कोविड नाइनटीन ब्रूसिलोसिस ट्यूबर पुलोसिस तो ये कुछ डिजीजेस है जो एनिमल से ह्यूम्स में फैल सकती है पर सारी की सारी जो जितनी डिजीज हैं वो सब डि जूनोटिक डिजीज़ नहीं होती है जैसे कि आपका एक अफ्रीकन स्वाइन फीवर है स्वाइन लगा है स्वाइन फीवर है तो हम सोच सकते हैं कि वो जूनोटिक होगा पर वो ऐसा नहीं है अफ्रीकन स्वाइन फीवर ये जूनोटिक डिजीज नहीं है इसकी भी बात करी है ये इस प्रेस रिलीज में इंडिया की बात करें तो इंडिया इज द लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन विथ थ्री विथ फाइव थर्टी सिक्स मिलियन लाइफ स्टॉक एंड एट फिफ्टी वन मिलियन पोल्ट्री तो इंडिया नंबर वन है फाइव थर्टी सिक्स मिलियन लाइफ स्टॉक है अकाउंटिंग अप्रॉक्सीमेटलीटली परसेंट ऑफ द वर्ल्ड लाइफ स्टॉक एंड एट्टीन परसेंट ऑफ वर्ल्ड पोल्ट्री लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क भी है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग है देखो यहाँ पे क्या क्या बात हो रही है फर्स्ट है आपका मिल्क में लाइव स्टॉक में और सेकेंड है आपका एग ठीक है इसके बाद बात करी करिए जूनोसिस जुनो, देखिए यहाँ पे हम बात क्यों कर रहे हैं क्यों इसको सेलिब्रेट किया जाता है इट इज सेलिब्रेटेड इन द ऑनर ऑफ लुइस पाशर हु हुट द फर्स्ट सक्सेसफुल रेवीज वैक्सीन ए जूनोटिक डिजीज ऑन सिक्स ऑफ जुलाई एटीन एटी फाइव सो दिस डे इज डेडिकेटेड टू रेजिंग अवेयरनेस अबाउट जिनोसिस डिजीजे डैट कैन भी ट्रांसमिटेड फ्राम एनिमल टू ह्यूमन एंड प्रमोटिंग प्रीवेंटिंग एंड कंट्रोल मेजर्स तो ये हमने बात कर ली जिनोटिक डिजीज़ की अब एक और न्यूज़ में है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव रशियास लहा हाइस्ट स्टेट अवॉर्ड उस अवार्ड का नाम क्या है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्र्यू द एपोस्टर तो ये एक अवार्ड है जो कि व्लादिमिर पुतिन जो कि प्रेसिडेंट है रशियन फेडरेशन के इन्होंने कन्वर्ट किया हमारे जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी को इट इज़ द हाइस्ट ऑनर ऑफ द रशिया ठीक है और ये क्यों दिया गया जो कि इंडिया और रशिया का जो पार्टनरशिप है तो उसको और स्ट्रेंथन करने के लिए जो फ्रेंडशिप है उसको और बढ़ाने के लिए ये अवार्ड दिया गया चलिए अगला है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड ताइवान फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स एग्जाम में पूछ सकता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के लिए एक म्यूचुअल रिकग्निशन एग्रीमेंट एम बोला जाता है इसको एम साइन किया गया है कौन कौन सी कंट्री के बीच में एक है ताइवान और इंडिया ठीक है तो इसके अंदर ये एक फर्स्ट बाईलेटन एग्रीमेंट है फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एंड द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ आर एक तो एपीडा हो गया इंडिया से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री हो गया और ताइवान से आपका एग्रीकल्चर एंड फूड एजेंसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ताइवान तो ये कुछ इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है हमारे के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जैसे आपके राइस है प्रोसेस फूड है ग्रीन एंड ब्लैक एंड हर्बल टी मेडिसिनल प्लांट तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं इनका एक्सपोर्ट इम्पोर्ट किया जाएगा चलिए नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिस इज़ रिलीज from Ministry मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी गोपाल रत्न अवार्ड ये जो कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन दैट वॉज लॉन्च इन दिसंबर ट्वेंटी फोर्टीन दो हज़ार चौदह दिसंबर में इसको लॉन्च किया गया था फॉर द कंजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिजिनस बोवाइंग ब्रीड इन साइंटिफिक मैनर तो इसके अंदर जो गोपाल रत्न अवार्ड है उसके कुछ कुछ कैटेगरी हैं लाइक बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर या जिसने कंजर्व uh, किया है पुरानी ब्रीड को या कुछ आर्टिफिशियल आर्टिफिशियमिनेशन टेक्निक्स को डेवलप किया है तो उन लोगों को अलग अलग कैटेगरी में नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड दिया जाता है यहाँ पे लिखा भी है अंडर आर राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर दो से डिपार्टमेंट क्या कर रही है गोपाल रत्न प्रोवाइड कर रही है टू एनकरज द मिल्क प्रोड्यूसिंग फार्मर डेरी कॉपरेटिस् एंड आर्टिफिशियल आर्टिफिशियंसेमिनेशन टेक्निक्स दिस ईयर ऑल्सो नेशनल गोपाल रत्न अवार्ड इज फॉर द फॉलोइंग कैटेगरीज कैटेगरीज यहाँ पर मैंने इंक्लूड कर रखी है पहला कैटेगरी है बेस्ट डेरी फार्मर रियरिंग इंडिजिनस कैटल बफेलो ब्रीड जो कि रजिस्टर्ड ब्रीड है अगर uh, उनको रेयर कर रहा है और अच्छा मिल्क प्रोडक्शन ला रहा है तो उसको बेस्ट डेयरी फार्मर का अवार्ड दिया जाएगा तो नॉमिनेशन करना पड़ेगा आपको खुद को उसका भी एक लिंक है बेस्ट डेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी और बेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी और बेस्ट डेयरी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन इनका एक अलग से कैटेगरी है बेस्ट आर्टिफिशियल इंसेमिशन टेक्निक टेक्नीसियन तो उसको अवार्ड दिया जाएगा जो ये प्रैक्टिस करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का एंड लास्ट है आपका इस साल ये ऐड हो रहा है द डिपारमेंट हैज़ इनकॉर्पोटेड स्पेशल अवार्ड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न इस्टेट नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के जो स्टेट्स हैं उनको इनक्रेज करने के लिए वहाँ की जो डेरी इंडस्ट्री है उसको बूस्ट करने के लिए और वहाँ पर एक नया एक एडिशनल अवार्ड यहाँ पर लाया गया है जिसमें फ़र्स्ट वाले को दिया जाएगा फाइव लैख रुपीज़ एज ए अवार्ड बेस्ट डेरी फार्मर को तो ये कुछ रिलीजियस थे इसमें मैंने आ, दस तारीख तक के कवर किए हैं जो जो इम्पोर्टेंट थे आई होप ये आपको हेल्प करेंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में इसकी पीडीएफ डी में हमारे टेलीग्राम चैनल एग्री दिन इलेवन में प्रोवाइड कर दूंगा उसका लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और डेली हम इसको कंटिन्यू करेंगे और आप कमेंट बॉक्स में भी बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी तो दोस्तों आज के लिए बताया ही मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम टिल दिन टाटा बाई बाई एंटी